नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल एजुकेशन में। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट, आपका क्लास 9th और क्लास 11th का MP बोर्ड का सिलेबस यहां पे कम कर दिया गया है। दोस्तों क्लास 9th की हमने अलग से वीडियो बना दी है, अगर आपने क्लास 9th का सिलेबस नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप क्लास 9th का सिलेबस वहाँ से पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 11th का जो पूरा रिड्यूस वाला सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो PDF है आपका 8 पेज का PDF है, अगर आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा वायरल टॉपिक, वहाँ पर आपको ये रिड्यूस वाला सिलेबस का जो PDF है वो मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपको दिख रहा होगा हिंदी आपका जो विषय दिया है, तो हिंदी में दोस्तों जो आपकी बुक चलती है जिसका नाम वितान भाग 1 है, इसमें जो आपका पार्ट नंबर 3 है जो कि आलो औधारी है, ये दोस्तों अब आपको नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है इस साल के लिए हटा दिया गया है। यहाँ पर नोट आप ध्यान से देख लीजिए, पाठ्यक्रम में यह पाठ केवल पढ़ने के लिए होगा, परीक्षा में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप पाठ पढ़ सकते हैं लेकिन आपको जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन बात करते हैं दोस्तों आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो आपका चैप्टर नंबर 3 यानी कि जो लेसन नंबर 3 है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस, ये वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर और चैप्टर नंबर 8 सिल्क रोड, ये आपको 4 पार्ट नहीं पढ़ना है। आप यहाँ पर नोट पढ़ लीजिए, इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट विल बी केप्ट फॉर फन रीडिंग, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द असेसमेंट दिस ईयर, नो क्वेश्चन विल बी आस्क फ्रॉम दिस बुक। तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी को पता है कि इंग्लिश की आपकी 2 बुक होती हैं, एक तो आपकी मेन बुक होती है, दूसरी आपकी सप्लीमेंट्री रीडर होती है। तो दोस्तों जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है उसको आपको सिर्फ पढ़ना है, जो आपका फाइनल एग्जाम होगा 11वीं क्लास का उसमें से दोस्तों आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका इंग्लिश का सिलेबस आधा हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है और एक बुक में से भी दोस्तों जो आपके 4 पार्ट है उनको यहाँ पे हटा दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग संस्कृत की, तो संस्कृत का दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए इकाई नंबर 2 काव्य की अन्य विधाएं, ये आपको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे एक बात और यहाँ पे देख लीजिए जो नोट लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 1 से कोई भी पाठ नहीं हटाया गया है, ठीक है। जो आपकी जो बुक है जिसका नाम भास्वती भाग 1 है इससे कोई सा भी पाठ नहीं हटाया गया, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। देन बात करते हैं भौतिक शास्त्र की, तो आपका जो पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 13 इसको हटा दिया गया, आप अपनी जो बुक है उसमें इसको मार्क कर लीजिएगा। देन दोस्तों बात करते हैं रसायन यानी कि केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर जो 14 है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको जो इस साल जो एग्ज़ाम होगा उसमें इन 3 पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स में आपका दोस्तों जो आपका संबंध एवं फलन ये वाला जो पार्ट है इसको हटा दिया गया, इसके बाद आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत इसको हटा दिया गया, देन दोस्तों आपका रेखीय अस मिकाय इसको हटा दिया गया और गणितीय विवेचन इसको हटा दिया गया। दोस्तों ये आपका हिंदी में लिखा है, मैं आपको इंग्लिश में भी इसका देख के बता दूंगा और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे इसका कमेंट करके बता दूंगा, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से जो 4 पार्ट है वो नहीं पढ़ने। अब बात करते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका जीव जगत है ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण ये आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 कोशिका जीवन की इकाई, तो दोस्तों ये आपको नहीं पढ़ना, आप अपनी बुक में इसको मार्क कर लीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में दोस्तों यहाँ पे कोई सा भी टॉपिक नहीं हटाया गया, आपको पूरा यहाँ पे जो बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। देन बात करते हैं आपका जो लेखा शास्त्र है इसमें आपका विनिमय विपत्र इसको हटा दिया गया, अपूर्ण अभिलेखों से खाते इसको हटा दिया गया, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग इसको हटा दिया गया और कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली इसको हटा दिया। इकाई नंबर 8, 11, 12, 13 ये आपको नहीं पढ़ना है। देन दोस्तों बात करते हैं आपका व्यवसाय अध्ययन, तो व्यवसाय अध्ययन में आपकी इकाई 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका दोस्तों बात करते हैं आपका इतिहास यानी कि हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में दोस्तों आपकी इकाई नंबर 1 और इकाई नंबर 8 समय की शुरुआत से और संस्कृतियों का टकराव। देन बात करते हैं आपका पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान, तो इसमें आपकी इकाई नंबर 6 और इकाई नंबर 7 को यहाँ पे हटा दिया गया। देन इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपकी समाजशास्त्र की, तो समाजशास्त्र में जो आपकी पहली बुक है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जो कि आपका दोस्तों डूइंग सोशियोलॉजी रिसर्च
मेथड, ये आपका हटा दिया गया। देन दोस्तों जो आपकी सेकेंड बुक है जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है, इसका चैप्टर नंबर 1 सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी, इसको हटा दिया गया। साथ में चैप्टर नंबर 2 एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, इसको भी यहाँ से हटा दिया गया। देन बात करते हैं भूगोल की, भूगोल शायद ही ज्योग्राफी को बोलते हैं, तो दोस्तों इसमें आपका चैप्टर नंबर 10 इसको हटा दिया गया। यहाँ पे आप देख लीजिए प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं कारण परिणाम तथा प्रबंधन, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10 इसको हटा दिया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आपके होम साइंस की, तो होम साइंस में आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि आपका बाल विकास है, इसको यहाँ पे हटा दिया गया है। इसका दोस्तों बात करते हैं शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपको दोस्तों सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, कुछ भी यहाँ पे हटाया नहीं गया है। इसका दोस्तों जो आपका नेक्स्ट विषय जो कि आपका मनोविज्ञान है, तो इसमें आपका पार्ट नंबर 8 थिंकिंग, और जो आपका पार्ट नंबर 9 है मोटिवेशन एंड इमोशन, ये आपको हटा दिए गए। देन दोस्तों बात करते हैं हम आपका जो कृषि संख्या है, तो दोस्तों इसमें आपके बहुत सारे यहाँ जो पार्ट हैं आप इसको देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। पहले यहाँ पे आप विषय देखिए कृषि के लिए उपयोगी एवं गणित के मूल तत्व, इसमें आपका जो इकाई नंबर 3 है सरल यंत्र, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका इकाई नंबर 4 और फिर आपका इकाई नंबर 8 जो कि आपका कोलाइड है, और फिर इकाई नंबर अठारह जो कि आपका श्रेणियाँ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी सेकेंड बुक है जो कि आपकी पशुपालन दुग्ध व्यवसाय मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन है, ये आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। और जो आपकी तीसरी जो है यहाँ पे आप देखिए फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, तो दोस्तों ये भी आपको यहाँ पे पूरा पढ़ना पड़ेगा। देन बात करते हैं गृह विज्ञान समूह, तो गृह विज्ञान समूह में दोस्तों यहाँ पे आप पहले विषय देखिए, जो पहला विषय आपको दिख रहा होगा गृह प्रबंध आहार एवं पोषण, तो इसमें आपकी इकाई 3 का जो आपका सजावट के साधन एवं मैथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरीके से आपकी जो इकाई नंबर 6 है खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका दोस्तों जो आपकी नेक्स्ट बुक है जो कि आपकी सॉरी जो आपका नेक्स्ट विषय है कि दोस्तों आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ है, इसमें दोस्तों आपका इकाई नंबर 4 प्राथमिक चिकित्सा, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर आपका इसी में इकाई नंबर 6 बाल व्यवहार के मूलभूत आधार, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसका दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है जो कि आपका विज्ञान के तत्व है, तो इसमें आपकी इकाई नंबर 4, 5, 6 ये पूरा दोस्तों यहाँ पे डिटेल में दिया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आप इसको अपनी जो बुक है उसमें मार्क कर लीजिएगा। तो आर्ट्स में दोस्तों जो आपका पहला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गृह विज्ञान एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हाइजीन, इसमें आपका जो इकाई नंबर 8 है जो कि बाल विकास है, ये आपको नहीं पढ़ना है। और जो आपका कृषि वाला है इसमें आपको पूरी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में कोई भी कमी नहीं की गई है। इसका दोस्तों जो आपका नेक्स्ट आता है जो कि आपका आता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, तो इसमें दोस्तों आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको कोई से भी पार्ट को हटाया नहीं गया है। देन दोस्तों बात करते हैं हम लोग जैव प्रौद्योगिकी, तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए इकाई नंबर 2 इकाई नंबर 3 और ये आपकी चौथी, ये चैप्टर के नाम भी दिए हैं। पहला आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल, इसी तरीके से जेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 सेल एंड ऑर्गेनिज्म में आपका चैप्टर नंबर 1 द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और चैप्टर नंबर 2 सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। आप जो आपकी बुक है आईपी की इसमें सॉरी ये जो दोस्तों आपकी बुक है जैव प्रौद्योगिकी इसमें आप इसको मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे आपका जो कला समूह का है दोबारा यहाँ पे दे दिया है, और ये आईपी का भी यहाँ पे फिर से आ गया है, और जेब प्रौद्योगिकी ये भी यहाँ पे रिपीट हो गया है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद ये आपका उर्दू वाले, तो आप उर्दू वाले जो आपकी बुक है भैया इसको मार्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये आपका क्लास 11 का पूरा डिटेल सिलेबस है, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से आप रीड कर लीजिएगा। जो भी आपकी बुक है उसमें आप अच्छे तरीके से मार्क कर लीजिएगा, पूरा यहाँ पे बताया गया। इसमें दोस्तों जो जो पार्ट के आपको नाम दिए हैं वो आपको नहीं पढ़ने, वो आपको जो इस बार 11th क्लास का एग्जाम होंगे उसमें आपको उससे प्रश्न नहीं आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएगा ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम की लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।